गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं सामाजिक विकास और समाज का आर्थिक विकास पर चर्चा करूंगा। मैंने पहले भी कहा था, सच्चाई और अच्छाई, गुड थिंग्स शुड टू बी सपोर्टेड बाय ईच एंड एवरीवन एंड बाय ऑल स्टाइल्स ऑलवेज, यानी हर तरह से, हर प्रकार से, हर किसी को अच्छी और सच्ची चीज़ की प्रशंसा करनी चाहिए। ये सुधार का सबसे बड़ा सूत्र है। और मैंने पहले भी चर्चा की थी, जैसे केरल में सिल्वर प्रोजेक्ट जो रेल का डाल रहे हैं, वहाँ की लेफ्ट फ्रंट की जो सरकार है, वाम दलों की, साधुवाद की पात्र। वैश्विक अर्थशास्त्री भी अगर चर्चा कर लें तो कोई नुकसान नहीं है, और भारतीय अर्थशास्त्रियों में निश्चित रूप से कहूँगा कि वो 80,000 के आसपास करें डेली पैसेंजर्स को, बहुत ही, यानी हम रोडों पर जो कार चलाते बहुत कम गति हो, बहुत ऊँची गति से सुविधा मिलेगी, रोडों से कारें हटेंगी। वास्तव में कुछ तो करें, पेड़ कटने से प्रदूषण बढ़ेगा, ये पेड़ और लगवा लो भैया। बाकी एक बहुत, और अन्य राज्यों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जो हाई स्पीड ट्रेन, सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो प्रोजेक्ट डल रहा 54,000 करोड़ रुपए का, मैं जहाँ तक मानता हूँ शायद बड़े से बड़े प्रोजेक्टों को, अफवाह तो खैर भी मैंने इतना सर्च नहीं किया कि कोई एक आधा रेल या रोड का इससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई हिंदुस्तान में लगा भी है क्या, पर लगा है तो कोई एक आध ही हो सकता है जो मेरी बात को क्रॉस करने के लिए कोई उदाहरण पेश कर दी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बाकी अपने आप में अफवाह है। 54,000 करोड़ की रेल परियोजना, सड़कों से कारें हटाएगी, 80,000 परियोजना से लोगों को आवागमन की सुविधा होगी, और केरल जैसे कम क्षेत्रफल वाले राज्य में 540 किलोमीटर के आसपास का ट्रैक है, तारीफ के काबिल। इसके लिए मैं बिल्कुल मुख्यमंत्री केरल और उनकी सरकार को साधुवाद दूंगा, ढेर सारी बधाइयाँ दूंगा, और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सिल्वर रेल प्रोजेक्ट केरला का जल्दी जल्दी पूरा हो। कहते हैं अच्छा ही रोल मॉडल बनना, आज मैं यही बात कहना चाहता हूँ, रोल मॉडलिंग की जरूरत है। यदि तीन व्यक्ति को अच्छा कार्य करे, चौथा प्रेरित होता करने के लिए, वहाँ चार लोग अगर बैठे हैं, आप कहीं देखिए, आप कर्मशीलता देखेंगे, तीन चाहे वो पॉलिटिशियन हो, तीन मुख्यमंत्री, किसी भी क्षेत्र के लोग हों, अगर उनके समकक्ष अन्ना अच्छा कार्य करें तो चौथे व्यक्ति को शर्म आती है, अच्छा कार्य नहीं करते हुए अपने आप को पराजित मानता है। तो मैंने सरकार से कहूँगा, अभी ढेरों सारे प्रोजेक्ट लेकर आने हैं, और जो सांसद, निर्वाचित सांसद हैं, मैं ये थोड़ी सी उनसे विशेष रूप से कहूँगा, वो बड़े शर्मशील हो चले, अपने क्षेत्र की परियोजना उठाएं। राजस्थान के सैनिकों को जम्मू जाते समय अनावश्यक रूप से दिल्ली और हरियाणा का बहुत बड़ा क्षेत्र तय करना पड़ता है, और तब से करना पड़ता है, आज से मेरे पिताजी भी 60 साल पहले सेना में आए थे, भारत चीन युद्ध के समय 1962 मुझे याद है, और उनसे तो बहुत पहली बात, मैं उस बात को कर रहा हूँ, आज 2022 चल रहा है। मैं राजस्थान और गुजरात के सांसदों से विशेष रूप से कहूँगा, गुंगी नहीं बने, जोधपुर के सैनिक को जम्मू जाने का क्या रास्ता हो, अजमेर वाले के लिए क्या हो, यानी जम्मू से इस तरह का ट्रैक हमें सीधा मिले कि अनावश्यक रूप से दिल्ली की यात्रा नहीं करनी पड़े, रेल या रोड जैसा भी हो। और मैं ये भी कहूँगा, सेवार्थ सैनिकों को सिर्फ रेल की पास की सुविधा नहीं दी जाए, हर राज्य की जो परिवहन सेवाएँ हैं, चाहे निजी सेवाएँ हों, वो सैनिकों को मुफ्त बस यात्रा का भी लाभ दें, इससे उनकी जर्नी और उनके जो रूट है वो छोटा बन पाएगा, वो अपने गंतव्य पर जल्दी पहुंच पाएंगे, घर या गंतव्य पर। तो सिल्वर रेल जो प्रोजेक्ट है, दूसरे राज्य भी उसको आज में, और मैं ये कहूँगा, वहाँ जो विरोधी दल है, कांग्रेस है, वहाँ विरोधी दल की भूमिका में, या जब मेगा पार्टिकल कितना पर्यावरण चाहिए वो हमारे चैनल के साथ आए, मेगा पाटेकर ने जितने पेड़ अपने हाथ से लगाए नहीं होंगे, मैं ईश्वर के सामने ये प्रण लेकर मेगा पाटेकर को साबित करूँगा, उससे कहीं ज़्यादा वृक्षारोपण मैंने मेरे हाथों से कर रखा है।
ये मैं उस कार्यस्थल पर कर्मस्थली पर ले जाकर दिखाऊंगा कि लोग उसे उदाहरण स्वरूप बताएंगे कि इतना बड़ा तेरे हाथ से आज तक नहीं हुआ है वृक्षारोपण, जितना जो आपके समकक्ष खड़े हैं, सामने खड़े हैं कर रखा। तो पर्यावरण के लिए पेड़ों का बिल्कुल जाल बिछाया जाए, पेड़ों को ये जो धरती है, पेड़ श्रृंगार है, इसको अलंकृत कर दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा श्रृंगारित कर दी जाए पेड़ों के पक्ष में। परंतु यदि कहेंगे एक बार कट कर इतना बड़ा लाभ हो रहा है, तो उसे अनावश्यक रूप से राजनीतिक लाभ के लिए या अपना मीडिया की सुर्खियाँ बनाने के लिए ऐसा कार्य नहीं किया जाए, बिल्कुल उसको प्रमोट किया जाए। बहुत ही मजबूत परियोजना है और केरल के आर्थिक विकास के लिए, लोगों की सुविधा के लिए है, और उसको विरोधी अप्रिशिएट करें। आज यही बात दोबारा फिर चल पड़ी, ये चीज़ दूसरे राज्यों के लोगों के सामने आ रही है। जैसे आप दिल्ली में देख रहे हो, दिल्ली में कांग्रेस की स्थिति कहाँ चली गई पिछले चुनाव में? अधिकांश सीटों पर निष्क्रियता, यानी जमानत जब्ती। राजनीतिक दल के लिए पॉलिटिकल जो सुधार थे उनको बुलाएं, यार ये 10 जनपद में बैठे लोगों की सिर्फ नहीं सुने, उनको इतनी पॉलिटिकल समझ नहीं है। वो लोग मुँह मियाँ मिठू तो बन सकते हैं, बहुत बड़ी प्रशंसा कर दें उनके, किसी के परिवार की चढ़ा बढ़ा कर, ये बातें काम नहीं करती। मैं वैसे किसी से लगाव या अलगाव नहीं रखता किसी राजनीतिक दल से, मेरा कहना ये है कि सभी को सुमार्ग दिखाना शोधार्थी, और मैं राजनीति विज्ञान के छात्रों को उनकी धमक भी पैदा करना चाहता हूँ। भारत में जो अभी कोने में बैठे हैं सर्दी में धूप के, को उनकी ज़रूरत महसूस तब करेंगे तब लोग प्रबंधन के क्षेत्र में बढ़ेंगे, यानी राजनीतिक प्रबंधन। तो वो लोग पूछें भाई, हम लोगों ने हमें इतना क्यों तिरस्कृत कर दिया कि जमानत जब्ती की नौबत लगभग सीटों पर 70 में से, ऐसा क्यों? अब उत्तर प्रदेश की मैं बात करूँ, यहाँ भी मैं कहूँगा कि कल मैंने अभी राजनीतिक पार्टी का घोषणा पत्र पढ़ा है, का जो द हिंदू ने टाइटल बना रखी है कि भाई समाजवादी पार्टी ने फ्री इरीगेशन, 300 इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई और MSP पर बात की, मिनिस्टर फॉर प्राइस टू फार्मर्स और फार्मर संगठन उसके साथ खड़े हो गए। वो कहते हैं कि हमारा गैर राजनीति का मतलब ये नहीं है कि कोई हमारे लिए जिए और हमारे लिए आह्वान करे फिर हम नहीं खड़े हों, इसका मतलब ये भी नहीं है। हाँ, यदि अन्य लोग दल भी अपनी बात यदि लेकर आते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा जो वहाँ जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, BJP, BSP और कांग्रेस, वो दिन भर वैसे गाल ना बजाएं। मैंने पहले कहा था किसी की चुनरी की चर्चा नहीं करनी है, रंग कैसा है, पगड़ी चर्चा नहीं करनी रंग कैसा है, कोई हरी पहनता है इस देश में, कोई लाल, कोई छिटकली यानी चीटदार। ये विविध संस्कृति वाला देश है, मल्टी कल्चर नेशन है, यह सब चलेगा, इन चीज़ों से तालियां नहीं बटोरनी है। मुद्दागत बात करना नेता का दायित्व होता है। वहाँ जो अन्य प्रमुख तीनों राजनीतिक दल जो हैं, और तीनों की बड़ी अच्छी राष्ट्रीय पहचान है, ये भी नहीं है कोई जिला स्तर का दल हो, कांग्रेस, BJP और बसपा, उनको तीनों मुद्दों पर MSP, 300 यूनिट्स फ्री डोमेस्टिक पावर सप्लाई और फ्री इरिगेशन, जो पावर देने का जो समाजवादी पार्टी और RLD और उनके साथ और भी घटक दल हैं जो अलायंस मींस, परंतु दो प्रमुख घटक हैं SP और RLD, ये बहुत बड़ी बात है। उनकी बात पर जो तीन मुद्दे वो लेकर आए हैं, उनसे आगे कैसे छलांग मारी जाए, ये जो कृषि अर्थशास्त्री सामने बात खड़ी होगी कि अगर वो उनकी जो बातें हैं उनको कहाँ उनका प्रतिवाद किया जाए या समर्थन किया जाए। प्रतिवाद अगर कर रहे हैं तो करें, परंतु मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैंने पहले भी कहा था कि ये मुद्दे जो तीनों हैं ये किसी प्रकार से अर्थशास्त्र को नहीं झकोड़ते, तीनों बहुत ही पॉजिटिव हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ तीनों दलों को भी, ताकि उनको भी राजनीतिक लाभ मिले, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि BJP, BSP और कांग्रेस तीनों अपनी जो घोषणा पत्र है, मैं उनसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ वो भी डाल लें उस तीनों को, MSP को, गन्ना भुगतान को 15 दिन में, और जो 300 यूनिट पावर सप्लाई को, इससे राज्य की उन्नति होगी। और कहते हैं उत्तर प्रदेश की उन्नति जो है रूस से भी करीब 1.5 आबादी वाला राज्य है, रशिया से, मैं आज वो बच्चों को बताना चाहता हूँ, कहीं ध्यान नहीं है
ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये महाप्रदेश, महानता प्रदेश है। हिंदी भाषा जिसे राष्ट्रभाषा कहते हैं, सबसे अधिक अगर किसी राज्य ने पोषित और पल्लवित की है, आम नागरिक ने भी, रेहड़ी वाले ने भी, खोमचे वाले ने भी, और चाय की दुकान चलाने वाले भी, मैं कह रहा हूँ इससे अच्छा कुछ जवाब नहीं। हम भी उनसे कुछ सीख करना चाहते हैं। आप शब्द का सम्मानित भाषा हिंदी के साथ साथ सम्मानित हिंदी का प्रयोग उन्होंने किया उत्तर प्रदेश वालों ने, तो मैं उन भाइयों को साधुवाद का पात्र, और तीनों जो राष्ट्रीय दल वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, फिर कह रहा हूँ कि 4 चांद लग जाएंगे आपकी राजनीति को, तीनों साथियों को, और कल्याण हो रहा है, कल्याण से दूर मत जाइए, अर्थशास्त्र में मत पढ़ाइए, जो लोग इनके नेतृत्व कर रहे हैं उनसे कम अर्थशास्त्र जानते नहीं हम, इसलिए करें भैया आपसे विनम्र प्रार्थना, हाथ जोड़ के प्रार्थना है दोस्तों, आप तीनों इस मुद्दे को डाल लो, इससे देश, समाज और कृषि क्षेत्र का भला होने जा रहा है, गांव और गरीब का भला होना जा रहा है। मैं तीनों से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, केरला की कांग्रेस से कह रहा हूँ, उसी लोग प्रोजेक्ट का समर्थन करें, खुलकर करें, और इसके अप्रिशिएट करें वहाँ के लेफ्ट गवर्नमेंट को, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एंड अलायंस विद RLD जो ये लेकर आए हैं घोषणा पत्र, तीनों राष्ट्रीय दलों से राजनीति में जान फूक जाएगी, लोग दुगने जोश से आएंगे, और अगर आप घोषणा पत्र शामिल कर लेंगे तो गठबंधन कमज़ोर होगा, मजबूत नहीं होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कल भी जब हम बैठे थे, हमने उनकी चर्चाएं सुनी, में बड़ी इस बात को खुशी मिली कि लोगों में राजनीति की समझ बढ़ रही है, राजनीति जागरूकता बढ़ रही है, राजनीति परिपक्वता बढ़ रही है। अलग जो तीनों दलों के लोग थे उन्होंने कहा कि इनको भी इसको शामिल कर लेना चाहिए, मतदाता की आवाज़, जनवाणी, राजनीति दल सुने, ये लोकतंत्र है। जो मायावती जी का, अखिलेश जी के साथ साथ मायावती जी का, और योगी जी और जो प्रियंका जी हैं उनके समर्थक चाहते हैं कि ये घोषणा हमारे दल भी शामिल करें, वो उधर जाना नहीं चाह रहे, परंतु वो करें कि उसकी घोषणाएं, ये बात यहाँ मैं इसी को मैं हमेशा कहता हूँ चैनल पर, बात सच्चाई और अच्छाई, उन दलों के बड़े कार्यकर्ता और जो घाक समर्थक हैं वो कहते हैं बड़ी मजबूत घोषणाएं लेकर आया है ये, बड़े लोग उसको लड़का के नाम से बोलते हैं, लड़की अजीत सिंह का लड़का, मुलायम सिंह का लड़का, यहाँ तक बोलते हैं उनको, तो मैं कह रहा हूँ इन दलों से मेरी अभी विनम्र प्रार्थना है, मौलिक सभा बड़ी सफल रहेगी, हमारी सभा प्लीज़ आप भी शामिल कर लें, धन्यवाद।